सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आप यहाँ पर इस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर पाएंगे जहाँ से आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करेंगे वो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिस जारी हुआ है। सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, संपूर्ण जानकारी पिछड़ियों में दी गई है। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अप्लाई मोड जो होगा डायरेक्ट इंटरव्यू रहने वाला है। कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए जाना होगा वो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे दे दूंगा। हो कहने पहले तो ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जो आप करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा 28,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, यानी काफ़ी चुप यहाँ पर वेतन भी दिया गया है। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, सभी कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री होगा। यानी कि यूआर, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। आपको यहाँ पर एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18-40, ओबीसी के लिए 18-43, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18-45 जो एज काउंट की जाएगी 31 जुलाई तक की जाएगी। यानी कि 31 जुलाई को आपके एज ने तो 18 से कम होने 40 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एसएसटी वालों को 5 ईयर दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दी गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम इस भर्ती फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि जो आपके यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और आपको अगर ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कर देना है कमेंट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। जो आपके यहाँ पर दौड़ रहेगी इस भर्ती के लिए नहीं होगी, नहीं किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर भर्ती होने वाली है। आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। जोन जोन से डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा, सेल्फ टेस्टेड भी कर लेना है। आपको यहाँ पर 4 फोटो की जरूरत रहेगी जिनका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का मांगा गया है। उसके बाद से जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो कोई यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इस भर्ती का जो एग्जाम पैटर्न होगा, यहाँ पर इस भर्ती के लिए एग्जाम पैटर्न नहीं रखा गया, इंटरव्यू बेस यहाँ पर भर्ती होने वाली है। इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आपके यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट से आप यहाँ पर आवेदन करेंगे उनकी वहाँ पर छटनी की जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट फेक या गलत पाया जाता है तो आपको वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद से आपके यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। आवेदन करने के लिए जो इस भर्ती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, अगर आप सिंपल 10वीं 12वीं डिग्री किया हुआ है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। सबसे पहले आपका यहाँ पर फोटो लगाना है, फोटो को सेल्फ टेस्टेड कर लेना है। कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है, अपने आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी। उसके बाद से जेंडर बता देना है, मेल फीमेल जो भी आप हो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। मैरिज स्टेटस आपको यहाँ पर बताना होगा, हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम बताना होगा अगर आपकी शादी हो चुकी है और फीमेल कैंडिडेट है तो। आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम मेंशन करना होगा। आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस देना होगा, जैसे पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपको यहाँ पर सभी जानकारी दे देनी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ देना है। अपनी कैटेगरी बतानी है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सभी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे देनी है, जितनी भी यहाँ पर जीरोक्स रहेगी उनकी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। कैंडिडेट के सिग्नेचर करने हैं, पहले से बताना है, डेट बताना है। इसको फिल करने के बाद आपको अपने साथ ही लेकर जाना होगा इंटरव्यू की डेट पर। इंटरव्यू की डेट जो यहाँ पर दी गई है 31/7 यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। 31 जुलाई को आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना होगा इंटरव्यू के लिए। एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को
मिल जाएंगे। सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे सीआरपीएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको यहाँ पर बताया भी गया है जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। इस भर्ती का आपको यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा जहाँ पर आपको प्रेजेंट होना होगा इंटरव्यू के लिए। उसकी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर पाएंगे। GDMO की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, 75,000 रुपये तक आपको यहाँ पर सैलरी भी मिल जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी बिल्कुल फ्री में ले लेनी है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। जय हिंद, वंदे मातरम।